मसला कुछ ऐसा खराब हो गया था कि हम वो आपको बता नहीं पाए, मगर हम लोगों ने एक छोटा सा क्लिप जरूर बनाया है, हम वो आपको जरूर दिखाएंगे। तो हो गया ना फैसला, और अभी जरा हम आपको बता देंगे क्यों नहीं आया हमारा ईद का व्लॉग। भाई रुके, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग ने व्लॉग ही नहीं बनाया, व्लॉग बनाया था, सब कुछ करा था। अच्छा रमजान खत्म करा चुके हैं और अभी जो है वो ईद का मौका स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि छोटे बहुत क्लिप्स भी बनाए थे, मगर क्या करें, बस मजबूरी थी, नहीं बना पाए, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था, बस जो समझ सकते हैं आप लोग हुआ है, फिर दिखाते हैं आपको क्या हुआ था। क्यों क्या हुई, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा बता रहा, क्योंकि यार देखो हम लोग यहाँ पे कोई चीज़ छूट नहीं सकती है, सही है। तो हम लोग ईद के पहले दिन हम लोग मतलब उठे, हर चीज़ जैसे रूटीन के मुताबिक होता है वैसे हम लोगों ने पूरा व्लॉग बनाया, हर चीज़ करा। अच्छा फिर हम लोग गए, सारे बॉयस आए, मतलब मीटअप किया, फिर हम लोग गए एक शॉपिंग, मतलब शॉपिंग से बड़ा मतलब वही अपना शूट करने के लिए गए। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, और इतना मजा आया, सारे बॉयज मतलब अच्छे से कपड़े और सबने आउटफिट हमारा अच्छा पहना, मतलब आप लोग देख सकते हैं बड़ी अच्छी शूट चल रही है हमारी माशाल्लाह से। मगर मतलब हम लोगों ने गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी चलाई, ये वो मतलब मुझे फुल वाला मज़ा आ रहा था ना, VIP सेटअप वो भी किया यार, हर चीज़ हम लोगों ने ना आपको एक एक चीज़ दिखानी थी, मगर बस हुआ ये कि ईद के मतलब रात में ही हमारे ईद के पहले दिन ही हमारे साथ शॉपिंग हुई, मतलब कि यार मेरा ही मोबाइल जाना था और मतलब और भी सारे बॉयज थे, मतलब मेरा मोबाइल गया, तो बस क्या कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है सिर्फ कि हम लोग जगह को दिखा, हम ये दिखा रहे हैं कि यार आप लोग भी अगर बाहर खड़े हुए तो नहीं खड़े हुए, क्योंकि यार कुछ नहीं बना यहाँ पे ना, ऐसे इस मुल्क में रहे। मैं और हमजा भाई बाहर खड़े हुए थे, आप लोग CCTV फुटेज भी देखते रहिए, क्योंकि हम लोगों ने वो भी आपके लिए बना के रखी है। मोबाइल चाहिए हमजा भाई यूँ निकले और बस समझ लो मेरा मोबाइल वो लेके चलेगा, उसमें इतना सारा हमारा डेटा था, हर चीज़ थी, वो सब चले गए। अब आप लोग जाके CCTV फुटेज चेक कर रहे हैं यार, बड़ी खतरनाक सी यार प्रॉब्लम हुई है। तो यार ये है संडे की फुटेज, तो हम ज़रा मिलने आए थे, हम लोग मतलब बहुत दिनों बाद हमारी गैंग मिली थी, तो हम वही आम रूटीन की तरह जो हम जैसे मिलते हैं गपशप करी, जैसे वो अपनी हम आम रूटीन में हम बातें करते, अपने यूट्यूब का बता रहे थे यार कौन सा ब्लॉग कब बनाना है, नए नए मोबाइल लिए रवि भाई ने अपना 7 प्लस, तो बस वही हम उसकी डिस्कशन कर रहे थे, अपना जो चिल विल सीन बिल्कुल फुल चिलम से। मैंने बाइक देखी, मैं तो ऐसा शार्ट हुआ उफ, लेकिन वो रवि भाई के साथ बड़ा बुरा हुआ, वो उन्होंने चमाटे वमाटे मारे, बोल रहे थे मोबाइल निकालो, मोबाइल दे दिया, जान से बढ़ के नहीं है ना कुछ भी, तो बस यार वो बोल रहे मोबाइल तो चले गया, अभी नया नया लिया था, सदमे में बैठ गए रवि भाई बेचारे, रो रहे थे मतलब फुल, फिर वो उनको डर लगा वो सदमे में, फिर वो भागे तो उन्होंने बोला ये हो गया मेरे साथ। आप लोगों ने CCTV में फुटेज चेक कर ली, मतलब लोगों ने बकायदा मेरे मुंह पे चमाट भी मारा यार, आप लोग नहीं समझ सकते, बस कमेंट सेक्शन में दुआ करिए कुछ पैसे ऐसे आ जाए यार, मेरा मोबाइल भी इतना मैंने महंगा खरीदा था भाई, वो भी इसे तो समझ लो चोरी हो रही है। भाई के भी रिएक्शन चेक करने लगा जाके यार, यार तो मेरे साथ तो यही हुआ था बिल्कुल, मैं ऐसे ही भागते हुए आया था, सोचो अगर मैं भी लपेटे में आ जाता तो मेरा तो मोबाइल जाता, मैं तो उलट जाता, और मेरे पास तो मेरा अम्मी का मोबाइल भी था वो भी जाता, नहीं तो फिर हार्ट अटैक हो जाती, मैं तो सड़क पे आ जाता, मैं तो यूँ खोल के फिर यूँ भी मांगता अल्लाह के नाम पे, दे दो अपने घर के बाहर ही सेफ भी नहीं है, अब तो करें क्या जब अपने घर के बाहर ही सेफ नहीं है। रवि भाई की हालत देखो, उनका सब कुछ ले गए, उनका घर उनका बाहर सब कुछ ही ले गए, बस यार कैसे रहेंगे हम अपने ही घर में कैसे रहेंगे, घर के बाहर नहीं निकल सकते, सेव नहीं है ये घर है, मैं भी लपेटे में आ जाता तो फिर तो मेरी भी शॉपिंग हो जाती है, मैं तो यूँ खाऊंगा फुल गंदे तरीके से, तो बस यार आप लोग ना जरा देख के रहा करो, बाहर जाओ मोबाइल लेके जाओ लेकिन सेफ रहो, कभी भी शॉपिंग हो सकती है, काम बढ़ जाएगा। बाकी रवि भाई का आप देखो उनका हालत यार कितनी खराब हो गई हालत उनकी, आप लोग नहीं समझते भाई, हम लोग के साथ हुई है ना यार डकैती, हम लोग के साथ चोरी हुई है भाई, मसला ये था उसके अंदर मेरा जो मोबाइल गया अभी एक महीने पहले यार, जो मैंने ईदी करी थी बाहर, आप लोगों को पता है कैसे जमा करते हैं ईदी यार, यहाँ पे आसान नहीं है ईदी जमा करना भाई, लोग निकाल नहीं रहे हो तो जेब में फाड़ फाड़ के ईदी निकालनी पड़ती है हम लोगों, और दूसरी बात मेरा जो उसके अंदर चलो सही है पैसे तो गए, उसके अंदर मेरा ID कार्ड भी था ओरिजिनल, अपना लाइसेंस था जो मैंने कभी भी नहीं बनवाया लाइसेंस वो था उसके अंदर, What did he say? आया घर के बाहर बिल्कुल मेन गेट के बाहर ही हमारे चोरी हुई है, ये देखिए आप, मतलब हम घर के बाहर भी सेफ नहीं है यार, ये तो हमारा हाल है, हम कैसे इस मुल्क में रहे यार, क्या मसला है यार, बिक गई है गवर्नमेंट मिलके हमको पागल बना रहा है मादरचोद के बच्चे। अच्छा आप लोग अगर आप लोग भाई को सपोर्ट कर दो ना तो कसम से मैं बता रहा हूँ आप लोग जल्दी जल्दी जाके इन डकैतों की खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी,
इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, टीवी दाना जाके कुछ भी कर दो, मतलब खराब हो जाएगा आप लोग। वॉलेट में भी चलेगा, ईदी वीदी सब पड़ी हुई थी, जो ईदी मिली थी वो सब चली। फिर हम पुलिस स्टेशन भी गए, पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट भी करवाई। लेकिन भाई आप लोग ये बताओ कि यार अभी कैसे हम उधार से मोबाइल लें, मुझे मोबाइल तो लेना है, जो मेरा अभी दिमाग यार बिल्कुल नहीं चल रहा है मोबाइल के बगैर। आप लोगों को पता है यार, बोर्ड तो कर लो भाई, कुछ ना कुछ तो दे दो ताकि हम। कुछ तरीका है भीख मांगने का? ये भीख नहीं मांग रहे, चंदा है। वरना मेरा भी दिमाग खराब हो गया, इन लोग से पूछ लो भाई। मैंने तो घर की सारी चीजें जाके बेचने लगा हूँ, ये देखो जो सामान वामान मैंने निकाल लिया है, और मैं सब फेंक दूंगा मैं जाके भाई। मैं पागल हूँ बोलूंगा मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं मोबाइल खरीदूं भाई, ताकि आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट लेकर आऊं यार। सब बस बेटा, बहुत बढ़िया। सही कि अभी मैं सुरेश भाई से बोलूं यार, टाइम वाइम तो दिखा दो, मैं टाइम किससे देखूंगा यार, समझ ही नहीं आ रहा। हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? टाइम की दुकान है, और अभी जल्दी से मोबाइल छीन के मोबाइल में टाइम तो दिखाओ यार, क्या हो रहा है। गाड़ी चली नहीं रही ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बार बार बैठे हुए भाई ना, ये देखो अभी मैं आपको दिखा भाई क्या कर रहा है। What's that? What's that, brother? हम लोगों ने बताया आपको कि मोबाइल चोरी हो गया हम लोगों का, और घर के बाहर ही हुआ है। चाचा ने मोबाइल चोरी हो गया, ये बाहर बैठा घंटों से बातें कर रहा है, उसका क्या करें? समझाओ यार इन बच्चों को क्या करें। आपने देख लिया, चाचा ने भी क्या बोले कि मोबाइल चोरी हो गया तो उसको पकड़ के गाड़ी में डाल दो। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है अच्छा बस अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने लगे हैं। तो यार सीन को जैसा है कि अभी जो है मंडी सीन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग बताओ कि हम लोग कहाँ जाएं, जमील मेमन सोसाइटी जाएं या फिर डायरेक्ट मंडी जाएं? मगर मंडी में भी लगने में टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ जमील मेमन सोसाइटी क्यों ना जाएं। हम वहाँ पे और बहुत सारे भूल आए हुए और जानदार से जानवर आए हुए, तो हम वहाँ पे जाके विजिट जरूर करेंगे। मगर आप लोगों के कमेंट्स लाइक सपोर्ट जरूर चाहिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा के बेल आइकन को सब्सक्राइब कर दो, ताकि नेक्स्ट आने से आने अच्छी से अच्छी वीडियो आती रहे और आप लोगों को जरूर आएंगी। तो फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। बाय।